हेलो गाइस, चंदा दी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में झींगा मसाला कड़ी बना रही हूँ, यमी यमी। तो गाइस, उसके लिए मैं इसे बहुत अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, नमक डाल के, पानी डाल के और थोड़े से सिरके में इसे साफ़ की हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्चा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाल के मैं इसे, और इधर हमारा तेल, इसमें मैं अपने झींगे को डाल देती हूँ। ये देखिए, एक टमाटर ली हूँ, थोड़ी सी प्याज है, दो चार लहसुन की कली है और एक हरी मिर्च है, इसी स्टेम सहित धनिया पत्ती है। जब तक हमारा झींगा है वो सेलो फ्राई हो रहा है, मैं इसे ज़्यादा नहीं भूनूंगी, तब तक मैं अपने मसाले को तैयार कर लेती हूँ। इसे मैं अपने तवा में डाल दी हूँ फ्रेंड, ताकि हमारा वीडियो जल्दी बन जाए। मैं इधर इसी कढ़ाई में अपने ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। तो देखिए, हमारा झींगा अच्छे से फ्राई हो रहा है। मैं गैस का फ्लेम कम कर दे रही हूँ और इधर मैं कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डाली हूँ, थोड़ी सी मैं इस पर बटर डाल देती हूँ। बटर डालने से झींगा है वो बहुत सॉफ्ट और सॉफ्ट हो जाता है। झींगा तो सॉफ्ट होता है। इसे लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती की पेस्ट को डाल देती हूँ। मसाला हमारा भून रहा है, तेल अभी रिलीज पूरा से नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ी सी, ये हमारे पास सोया है जिसे दिल भी कहते हैं, इसे मैं डाल देती हूँ। इससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा होता है सोया डालने से। नेक्स्ट मैं इसमें अपने मसालों की ओर आती हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार सारे कुछ मैं डाल दिया और इसे मैं 2 मिनट अच्छे से भून देती हूँ। हमारा सारा तेल कढ़ाई के किनारे आ चुका है और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाल दी हूँ, गरम मसाला पाउडर। ये अच्छे से सिक चुका है, कितना मस्त लग रहा है ये देखने में, और इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। सारे को मैं डाल देती हूँ फिर पानी थोड़ी सी, क्योंकि कड़ी बन रही है तो थोड़ी सी पानी तो मैं इसमें डालूंगी ही। और 2 मिनट मैं इसे ढक के पकने देती हूँ। ये देखिए, मछली, ये सॉरी, झींगा हमारा पक चुका है और अब झींगा हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बटर ऊपर से और थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी। देखिए कितना मस्त बना है। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। थोड़ी सी नींबू का रस। ये देखिए, हमारा झींगा मसाला बनके तैयार है। कितनी अच्छी रेसिपी ये बनी है, बहुत अच्छी है। बटर में मैं इसे बनाई हूँ, थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और अब मैं इसकी सजावट कर देती हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती से, और ये थोड़ी सी सोया की पत्ती जिसे दिल भी कहते हैं उससे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ मक्के की रोटी, मैं आज इसकी भी वीडियो डाली हूँ, मक्के की पराठे और झींगा फिश करी और फ्राइड झींगा से। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शब्बा खैर, हैव अ नाइस डे।